अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। ये है संडे की सहरी। जब हमने सहरी की तो उसके बाद ना मैंने व्लॉग डाला, फिर सो गई थी। उसके बाद अफ्तार वाला किया था, फिर मैंने वीडियो बनाई थी कि सहरी थी, पराठा था और सालन था और मैं दूध पिया था क्योंकि मैं पराठे खाती हूँ। उसके बाद मैं सो वो गई थी, नमाज़ पढ़ी और वजह की नमाज़ पढ़ी थोड़ी देर आपके साथ स्ट्रोल किया और फिर सो गई। फिर सुबह उठी, मामा को नाश्ता देना था तो नाश्ता दिया मामा को, ग्रेनोला बार और दूध को हल्का सा ना गर्म कर दिया था। और वो देखकर मैंने मामा को ग्रेनोला बार दिया। उसके बाद ये ग्रेनोला बार है जो बहुत अच्छा है और आराम से आप कभी जल्दी हो तो आप खा सकते हैं आराम से। ये सुबह भी बहुत अच्छी होती है, आप हेल्दी रहते हैं, प्रोटीन होती है इसमें और इतना कोई ना भूख वगैरह नहीं लगती, बहुत ज़्यादा लाइक हल्का होता है, लाइट फील होता है आपको। इधर सारा कुछ खा लेते तो बहुत हैवी फील होने लगता है। तो उन्होंने यहाँ पे पूरा लिखा हुआ है कि आप पहले डालें फिर दूध डालें और इस तरह ना सारे वो इंस्ट्रक्शन लिखे हुए हैं, वो सब लिखे हुए हैं। और फिर आपको बताया हुआ है कितना फैट है कितना वो है। वैसे लो शुगर है, इसमें इतना कुछ है नहीं। उसके बाद कहते हैं प्रोटीन बहुत है, गेन है पर बिस्किट में 365 बिस्किट में बहुत ज़्यादा प्रोटीन है। और तरीके बताया हुआ है कि क्या क्या फ्रूट्स डाल के खाने। अच्छा, कल मैंने आपको बोला था कि जो लोग के टॉप सब्सक्राइबर सैयद थैंक्स बारी 15Z और कुजीन सैयद अमार अहमद आयशा ज़्यादा थैंक यू फॉर यू आर द गाइज आर द टॉप सब्सक्राइबर्स। उसके बाद मैंने पढ़ाई की, मैंने थोड़ी देर के लिए ना लड़के ने बताया कि 10 मिनट का टाइमर लगाएं और 5 मिनट ना रेस्ट लेगा, तो मैंने 10 मिनट का टाइमर लगाया था और मैं पढ़ रही थी। फिर मैंने असर की नमाज़ पढ़ के ना दही बड़े थे, मम्मा ने कल भैया ने कल ब्रोस्ट बनाया था, ब्रोस्ट था और कहते बहुत दिन हो गए थे। और ये है, ये मंगोची है जो हमारे यहाँ ना स्वीट डिश कहलाती है, तो ये बहुत मज़े की होती है। हम लोग हर अफ्तार पे ना उसको बनाते हैं। मैंने मगरब की नमाज़ पढ़ी, हम लोगों ने सब ना वापस जब नमाज़ वगैरह पढ़ के आ रेडी, हम लोगों ने वो सब किया। फिर कज़न्स वगैरह आए थे, उनसे बातें कर रहे थे हम लोग। उसके बाद मम्मा ने चिकन मसाला कि आज की अफ्तारी की प्रैक्टिस करनी थी, मतलब चीज़ें बनानी थी। तो फिर मैंने जैसे की नमाज़ पढ़ी, बिस्तर साफ़ किया, सो गई, बाय, आई लव यू ऑल।